सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, मैं आज गांव बिलासपुर में आया हूं और ये जो सड़कों के हालात बिलासपुर के हैं वो भाजपा के विकास की पोल खोलते हैं। आप ये देख लीजिए, गंगो क्षेत्र के अंदर ये बहुत बड़ा गांव पड़ता है हमारा और पूरा रास्ता ये दूधला अड्डे से अंदर तक किसी प्रकार टूटा हुआ है और ये हमारे सांसद महोदय के क्षेत्र के अंदर आता है, उन्हीं के गांव के बगल का गांव है ये, जहां पर सड़कों के हालात इतने खराब हैं कि लगता नहीं कि यहां पर कभी भी कोई जनप्रतिनिधि शायद आया हो। गंगो के अंदर कोई अगर नाली भी टूट जाती है तो भाजपा वाले खूब प्रचार करते हैं। तो ये जो हमारे क्षेत्र की सड़कों के हालात हैं, सांसदी का चुनाव आ रहा है 6 महीने के अंदर और क्षेत्र के सड़कों के हालात को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ये विकास हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है। वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि ग्राम बिलासपुर की ये सड़क बने और विकास की जो कहा जाता है कि नदी बह रही है क्षेत्र में, उस विकास की नदी एक छोटी सी नहर मेरी बिलासपुर में भी आनी चाहिए। मेरा आदरणीय सांसद महोदय से और विधायक महोदय से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने का कार्य करें। ये बहुत मजबूत गांव और मुख्य गांव हमारे क्षेत्र का है और अगर ऐसे गांव के अंदर भी आप विकास नहीं पहुंचा पाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये जन आदेश के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इस सड़क को शीघ्र ही बनाने का कार्य करें और जो विकास की बात हमारे क्षेत्र में की जा रही है उस विकास को वाकई में क्षेत्र के अंदर दिखाने का काम करें। ये गांव एक तरफा वोट आप लोगों को देता है, अगर एक तरफा वोट देने वाले गांव में भी आप काम नहीं कराएंगे तो ये बताइए क्षेत्र के किस गांव में काम होगा। तो इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, यह किसानों का रास्ता है, यहाँ के व्यापारियों का रास्ता है, 3-4 गांव को यह रास्ता जोड़ता है और इस रास्ते पे भी अगर इस प्रकार टूटे हुए सड़कें रहेंगी तो मैं समझता हूं और ये मेरा मानना है कि ये क्षेत्र के विकास के साथ हनन है और भाजपा का जो विकास है ये उसकी पोल खोलता है ये। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सड़क को जरूर बनवाएं।